सबसे पहले अ बॉडी एग्जीक्यूट SHM ऑफ टाइम पीरियड 8 सेकेंड, तो ये छोटा टी है कि बड़ा टी है? बड़ा टी है, टाइम पीरियड हमेशा बड़ा टी है, बड़े टी का मतलब एक चक्कर का टाइम, और छोटा टी इंस्टेंटेनियस टाइम को बोलते हैं। तो कैपिटल टी गिवन है, तो वो कह रहे हैं कि इसका मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है आफ्टर 1 सेकेंड, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है व्हेन इट पासेस द मीन पोजीशन। तो वेलोसिटी दे दी, कह रहे टोटल एनर्जी निकालो, काइनेटिक पोटेंशियल निकालो, क्या गिवन है? मास गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम से ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड, 2π/T, ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड। अब 1 सेकेंड पे वेलोसिटी गिवन है, और वेलोसिटी जो हमने की थी वो क्या थी? v = a(ω cos ωt, आपको वेलोसिटी कितनी गिवन है? 4। एम्पलीट्यूड की वैल्यू इस क्वेश्चन में a, ओमेगा गिवन है π/4, ओमेगा यहां पर π/4, π/4 क्या होता है? 45। cos 45 क्या होता है? 1/√2। सॉल्व करके पहले एम्पलीट्यूड निकाल लो, क्यों? क्योंकि कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला अगर लगाना चाहते हो तो एम्पलीट्यूड तो चाहिए चाहिए, तो वेलोसिटी इसलिए गिवन थी ताकि आप क्या निकाल सको? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आ गया, आंसर आ गया। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, 1/2 m ω² a² मास पता है, ओमेगा पता है, ए पता है, आंसर। काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का बड़ा सा फॉर्मूला मैंने आपको करवाया, 1/2 m ω² a² - y² लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा आपको क्या गिवन है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी गिवन है, तो 1/2 mv² से वैसे आंसर आ गया। टोटल एनर्जी क्या होगी? सम ऑफ पोटेंशियल क्या होगी? टोटल माइनस काइनेटिक, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, टोटल में से काइनेटिक को माइनस करें, आंसर। तो आइडिया क्लियर है कि कैसे फॉर्मूलाज लगाने हैं इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, एट टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 the amplitude, एक ऐसा समय है स्मॉल टी जब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? वाई। 1/2 the amplitude का मतलब a/2, तो y = a/2। तो क्या कह रहे हैं? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल, राइट? तो y = a/2, एक काम करते हैं, टोटल का ये फॉर्मूला है, काइनेटिक का ये फॉर्मूला है, काइनेटिक में y की जगह क्या पुट करते हैं? a/2। सॉल्व करके क्या आ गई? काइनेटिक आ गई। तो आपको फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक निकालनी है, फ्रैक्शन कैसे निकलती है? काइनेटिक डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, काइनेटिक निकाल ली, टोटल एनर्जी हमारे पास है, सब कैंसिल करके 3/4, तो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विच इज काइनेटिक। पोटेंशियल की फ्रैक्शन कैसे निकलेगी? 1 - काइनेटिक की फ्रैक्शन इज पोटेंशियल की फ्रैक्शन, तो अगर काइनेटिक 3/4 है तो पोटेंशियल 1/4। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, अ पार्टिकल इन SHM ऑफ एम्पलीट्यूड ए, तो एम्पलीट्यूड ए है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी 1/2 kinetic 1/2 potential, तो y बताओ क्या होगा? जब आधी एनर्जी पोटेंशियल, आधी काइनेटिक, आधी पोटेंशियल आधी काइनेटिक का मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक, तो इक्वेट कर दें, ये काइनेटिक ये पोटेंशियल, 1/2 m ω² कैंसिल, सॉल्व करके y क्या आ गया? ±a/√2, तो यही निकालना है आपको y, कि जब आधी एनर्जी काइनेटिक आधी पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि कैसे इक्वेट करना है? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था, चेक करो ये रहा, इस क्वेश्चन को पढ़ो,
ब्लॉक जिसका मास 1 केजी है, एक स्प्रिंग के साथ लगा दिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 50 है, ठीक है, तो ब्लॉक को हमने 10 सेंटीमीटर ले गए फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्प्रिंग है और मास है तो ब्लॉक को दूर ले गए 10 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहे, फाइंड पोटेंशियल काइनेटिक टोटल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मेन पोजीशन। वो 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में 10 क्या था, एम्पलीट्यूड, एक्सट्रीम पोजीशन थी, तो आप ब्लॉक को कितना दूर ले गए 10, तो का एम्पलीट्यूड था, पर आपको आपकी प्रॉब्लम कितने सेंटीमीटर पे करनी है, 5, तो 5 क्या है, वाई, समझ में आ रहा है यहां तक, तो वाई कितना है 5 और एम्पलीट्यूड कितना है 10, ठीक। तो इस क्वेश्चन के अंदर ओमेगा क्या होगा, आज हमने जब थ्योरी कर रहे थे SHM की तो हमने स्प्रिंग मास सिस्टम का देखा था, ओमेगा क्या आया था, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, मैंने प्रूव किया था जब मैं लिख रहा था साइड पे, मैंने कहा था लिख लेना, तो ओमेगा क्या था, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, वेयर के वाज स्प्रिंग कांस्टेंट, मास ऑफ द ब्लॉक इज एम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में ओमेगा की जगह अंडर रूट ऑफ के बाय एम, तो अंडर रूट जब स्क्वायर होगा तो मास मास कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में के पता है, ए पता है, वाई पता है, एक आंसर। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, ओमेगा फिर पुट कर दिया, मास से मास कैंसिल, के पता है, वाई पता है, दूसरा आंसर। टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल ऐड कर दोगे तो एक अलग आंसर, डन, तो आंसर आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। इसी तरीके से ये जो शीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है, नेक्स्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि किसी भी SHM में डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 10 साइन 20t प्लस 0.5। अब डिस्प्लेसमेंट को मैं तो y लिखता हूं, पर कई बुक्स फंक्शन ऑफ टाइम लिखती हैं। फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब कि जो भी फॉर्मूला आएगा उसके अंदर टाइम जरूर आएगा, वो टाइम डिपेंडेंट है। तो ये SHM की इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, इस इक्वेशन को देखते हुए एम्पलीट्यूड निकाल लो, ओमेगा निकाल लो, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, टाइम पीरियड निकाल लो और इनिशियल फेज भी निकाल लो। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप एक इक्वेशन लिखें, लिख ली आप इस इक्वेशन में अपनी इक्वेशन लिखें जो आपने याद कर रखी है। क्या याद कर रखी है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव का मतलब इनिशियल फेज होता है, लास्ट टाइम किया था। कंपेयर करो, एम्पलीट्यूड की वैल्यू बोलो कितनी होगी इसमें, 10, एक आंसर। कंपेयर करो ओमेगा क्या होगा इसमें, 20 रेडियंस पर सेकेंड, दूसरा आंसर। कंपेयर करो इनिशियल फेज क्या होगा, 0.5 रेडियंस। अब क्योंकि आप ओमेगा निकाल चुके हैं, ओमेगा 20 कंपेयर करके, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो यहां से क्या जाएगा, टाइम पीरियड भी आ जाएगा। फिर ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा पता है, फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, इक्वेशन को कंपेयर कैसे करना है इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें करेक्शन कर लेना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है क्वेश्चन में, ये ओमेगा कर लो, गिवन ओमेगा इज पाई रेडियंस पर सेकेंड, ये गिवन कर लो, ओमेगा गिवन कर लो, ठीक। देखो तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन है कोई भी SHM की ये इक्वेशन लो, वो कहता है साइन में मत लेना, कॉस में लेना, चलो हम कॉस में ले लेंगे, जैसा बोलेगा वैसा ले लेंगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम साइन में लेते हैं, इसने कॉस बोला हम कॉस में ले लेते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल 1 है, पोजीशन क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, टाइम t इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। फिर वो कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी पाई है, अब प्रॉब्लम ये है एक्स तो गिवन है, वेलोसिटी तो पता नहीं क्या है, तो कोई कहता वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने याद किया था अभी, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, वो लगा लो, नहीं लगा सकते क्योंकि वो फॉर्मूला तब था जब डिस्प्लेसमेंट साइन में चलती है। हमने पूरी थ्योरी में जो फॉर्मूलाज बनाए हैं वो ये एज्यूम करते हुए बनाए हैं कि एक्स या वाई क्या है, ए साइन ओमेगा टी, पर यहां पर क्या गिवन है, ए कॉस ओमेगा टी, इसलिए फॉर्मूला चलेगा नहीं उसमें। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, एक एक करके करते हैं। पहले मुझे ये इक्वेशन मैंने लिख ली एक्स की,
उसने कहा कि टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट वन है, तो ये लो, मैंने एक्स की जगह वन पुट कर दिया, टाइम की जगह मैंने जीरो पुट कर दिया, तो सॉल्व करके क्या आ गया, ए कॉस फाई वन। एक ही क्वेश्चन क्लियर है। फिर वो कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी पाई, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी पाई है, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं पुट कहां करूं, मेरे को वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की इक्वेशन है वो तो गिवन ही नहीं, निकालनी पड़ेगी। लिखो साइड पे एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये गिवन है। वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कैसे, डी एक्स बाय डी टी, तो डी बाय डी टी ऑफ एक्स की जगह ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई इनटू डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, तो वी इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई इनटू डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस डी बाय डी टी ऑफ, ये लो, तो ये कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो और ओमेगा कांस्टेंट डी टी बाय डी टी वन, तो ओमेगा आगे आ जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये लो, ये बनाना पड़ेगा पहले फॉर्मूला वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन से, ठीक है यहां तक, तो कैलकुलस आना चाहिए, तो कैलकुलस करो और वेलोसिटी आएगी। देखो क्या
क्या ये फॉर्मूला क्लियर है वी का? आगे देखो, वी का फॉर्मूला क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेलोसिटी गिवन है पाई। कब? जब टाइम क्या है? जीरो। टाइम को जीरो पुट कर दें, साइन फाइ, और ओमेगा भी क्या गिवन है? पाई। पाई से पाई कैंसल, ए साइन फाइ। तो एक इक्वेशन ए कॉस फाइ, एक इक्वेशन ए साइन फाइ। आपको एम्पलीट्यूड निकालना है इस क्वेश्चन में। अब एक काम करो, इसे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो। तो एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो ये टर्म भी वन है, तो एम्पलीट्यूड क्या जाएगा? प्लस माइनस रूट टू। प्लस माइनस लगा लेना यहाँ पे, क्योंकि एम्पलीट्यूड राइट भी होता है और लेफ्ट भी होता है, तो प्लस माइनस रूट टू। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो एम्पलीट्यूड आ गया। फिर आपको फाइव भी निकालना है। इसमें क्या है, एक काम क्यों नहीं करते, इक्वेशन नंबर टू और वन को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे टेन फाइव क्या आएगा? माइनस वन। अब मैथ्स के लोग तो जानते हैं टेन फाइव वन कब होता है? पाई बाई फोर, यानी कि 45 डिग्री। माइनस वन के लिए माइनस पाई बाई फोर, या फिर मैथ्स वाले जानते हैं थ्री पाई बाई फोर भी लिख सकते हैं। मेडिकल के लोग माइनस पाई बाई फोर, ओके, एक आंसर लिखने डन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है एस एच एम के अंदर एम्पलीट्यूड कितना है? 25 है। टाइम पीरियड कितना है? तीन है। फाइंड मिनिमम टाइम, आपको टाइम निकालना है एम्पलीट्यूड का। 25 का मतलब अगर ये मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस कितना है? 25 है, ए गिवन है। तो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में टाइम बताओ, स्मॉल टी, स्मॉल टी बताओ, ताकि पार्टिकल कहां मूव करे 12.5 सेंटीमीटर ऑन दी आइदर साइड। तो 12.5 तो ये बना ना इधर, और 12.5 ये बना। तो आपको बताना है यहां से यहां आने का समय कितना लगेगा पार्टिकल को। 12.5 इधर से 12.5 उधर जाने में समय क्या लगेगा, स्मॉल टी निकालना है। तो अगर आप मुझे सिर्फ यहां का टाइम बता दें स्मॉल टी कितना है, तो यहां का टाइम एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? सेम, तो मैं डबल कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो मेरे को सिर्फ टाइम निकालना है कि बॉडी ने 12.5 सेंटीमीटर कितनी देर में कवर किया। क्वेश्चन समझ में आ गया? 12.5 कितनी देर में कवर किया। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू का फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी आता है। अगर पार्टिकल मीन से राइट जाता है तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखा जाता है? ए साइन ओमेगा टी। तो वाई कितना है? 12.5। एम्पलीट्यूड कितना है? 25। ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, तो ये कट जाएगा तो हाफ आएगा। साइन थीटा हाफ कब होता है? 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई 6 पे। तो सॉल्व करके क्या आएगा? स्मॉल टी आ जाएगा। स्मॉल टी आ गया, ये आधा टाइम आया 12.5 लेफ्ट भी है, तो स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी 2t, तो कितना आएगा? 0.5 सेकंड। तो मेथड समझ में आ रहा है कि पहले आप 12.5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट का समय निकाल लें, और डिस्प्लेसमेंट अगर गिवन हो y और स्मॉल टी निकालना हो तो इक्वेशन एक ही है आपके पास, y पुट करो, स्मॉल टी कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी बार मेंस नीट और एनसीईआरटी तीनों में स्कूल के अंदर आया हुआ है कि पूछो मत, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, इंपॉर्टेंट है। किसी भी एसएचएम में वो कह रहे हैं y1 y2 डिस्प्लेसमेंट है, जब वेलोसिटी v1 v2 है, यानी कि y1 डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी v1 है और y2 पे v2 है। आपको टाइम पीरियड प्रूव करना है एसएचएम में, ये होगा। आप बस मुझे ये बताओ वेलोसिटी का ये फॉर्मूला सबको आता है? केस नंबर 1 में वेलोसिटी v1 है जब डिस्प्लेसमेंट y1 है, स्क्वेयरिंग कर लो। केस नंबर 2 में वेलोसिटी v2 है जब डिस्प्लेसमेंट y2 है। दो इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लो। माइनस करने से क्या होगा? माइनस करने से a स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपके पास ये टर्म आएगी, इस टर्म से ओमेगा निकाल लो, इसको नीचे ले आओ, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी, तो टी क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। इस ओमेगा को यहां से यहां पुट करके आंसर कैन बी कैलकुलेट। तो कैसे प्रूव करना है समझ में आ रहा है? तो एक फॉर्मूला है, उसके दो केस बनेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, माइनस करेंगे, ओमेगा आएगा, ओमेगा से टाइम पीरियड आएगा। ठीक है यहां तक? इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन आया हुआ, ये भी साथ ही देख लो। किसी भी एसएचएम में वेलोसिटी 4 है जब वाई 3 है, डिस्प्लेसमेंट 3 है। दूसरे केस में वेलोसिटी 3 है जब डिस्प्लेसमेंट 4 है। तो आपको टाइम बताना है ताकि पार्टिकल 2.5 सेंटीमीटर कितने समय में कवर करता है।
अब प्रॉब्लम ये है कि 2.5 सेंटीमीटर कितने समय में कवर करता है स्मॉल टी, उसके लिए इक्वेशन तो यही लगेगी वाई की जगह 2.5। प्रॉब्लम ये है कि मैं स्मॉल टी निकालना तो चाहता हूं, ना तो मुझे ओमेगा पता है ना मुझे ए पता है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, ओमेगा और ए, तो आंसर आ जाएगा स्मॉल टी का। तो वापस चलते हैं, सेम फॉर्मूला, जब वेलोसिटी 4 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो डिस्प्लेसमेंट वाई कितनी है 3 है, और नेक्स्ट इक्वेशन में जब वेलोसिटी 3 है तो वाई कितना है 4 है। आप वही चीज इन्हें काम करें, डिवाइड कर लें, स्क्वेयरिंग करके डिवाइड कर लें, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, तो क्या बचेगा ए, तो वहां सॉल्व करके ए निकाल लें, ए को किसी भी इक्वेशन में पुट करके क्या निकाल लें ओमेगा, तो इन दो इक्वेशन से ओमेगा और ए कैन बी कैलकुलेटेड, उस ओमेगा और ए को यहां पुट कर दें तो आपके पास साइन थीटा क्या आएगा हाफ, हाफ कब होता है पाई बाय 6 पे, तो यहां से स्मॉल टी कैन बी कैलकुलेटेड, उसके बाद तो कैलकुलेशंस है नॉर्मल। पॉइंट समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है इसकी, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा यार, किसी भी SHM में मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है अल्फा और मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है बीटा, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड निकालो। एक बात बताओ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमने किया था ओमेगा स्क्वायर है, क्या गिवन है अल्फा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है ए ओमेगा किया था बीटा, इन दोनों को सॉल्व करके ए और ओमेगा निकालना है। कैसे करेंगे, इसे स्क्वेयरिंग कर दो, इक्वेशन नंबर ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसल, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड एक आंसर। फिर अगर आप स्क्वेयरिंग नहीं करना चाहते, इन दोनों को डिवाइड करें तो ए और ए कैंसल, सॉल्व करके क्या आएगा ओमेगा, मतलब दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, डिवाइड कर लें तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, वहां से टाइम पीरियड आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, इसे इक्वेशंस में सिर्फ फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं इसमें, इसे इस क्वेश्चन की जगह ये देखो किया हुआ है वैसे भी हमने एट टाइम, रिपीट है ये क्वेश्चन, रिपीट है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन किया था ना, रिपीट है, रिपीट है।